हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 5 रोमांटिक जापानी एनिमे मूवीज के बारे में, जो कि इन मूवीज को देखने के बाद सच में आप लोग इन मूवीज के फैन हो जाओगे। तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखे और जान ले इन 5 रोमांटिक एनिमे मूवीज के बारे में। तो हमारा 5 नंबर मूवी का नाम है पोनियो। ये मूवी फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ड है। इस मूवी को 2008 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटा 44 मिनट। तो कहानी में देखने को मिलता है पोनियो नाम की एक मछली, जो कि एक जादुई मछली है, जो कि समंदर छोड़ के आ जाती है सोसुके कैरेक्टर के पास और फिर पोनियो बदल जाती है मछली से लड़की। तो कैसे पोनियो मछली से लड़की बनती है और मूवी में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, ये सब जानने के लिए आप लोग को पोनियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मूवी आप लोग को हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.6 out of 10। तो हमारा 4 नंबर मूवी का नाम है द गार्डन ऑफ वर्ड्स। ये मूवी ड्रामा रोमांस पे बेस्ड है। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का रन टाइम है 46 मिनट। बेसिकली हम लोग इस मूवी को एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं, लेकिन ये मूवी इतना कम रन टाइम के दौरान भी इस मूवी को बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इस मूवी की कहानी। तो कहानी में देखने को मिलता है एक 15 साल का लड़का, जो कि बनना चाहता है शू मेकर। किसी रोज वो लड़का एक गार्डन में बैठ के कुछ ड्राइंग कर रहा था, फिर अचानक एक 27 साल की लड़की उस लड़के के पास आके बैठ जाती है और बात ही करने लगती है। और हर रोज वो लड़का लड़की मिलते मिलते उन्हें प्यार हो जाता है। और मूवी में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, ये सब जानने के लिए आप लोग को द गार्डन ऑफ वर्ड्स देखना पड़ेगा। ये मूवी आप लोग को हिंदी में मिल जाएगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.4 out of 10। तो हमारा 3 नंबर मूवी का नाम है लव स्टोरी। ये मूवी कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है। इस मूवी का 2014 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटा 24 मिनट। तो कहानी में देखने को मिलता है तामाक और मोचिजो, जो कि अपनी चाइल्डहुड में नेबर भी थे और बेस्ट फ्रेंड भी। तो मूवी में मोचिजो तामाक को बहुत पसंद करता है, लेकिन मोचिजो के शाय नेचर होने के कारण मोचिजो तामाक को अपने दिल की बात कहने से डरता है। लेकिन एक दिन मोचिजो अपने दिल की बात तामाको को बोल ही देता है और फिर आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, जो कि आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मूवी आप लोग को हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.9 out of 10। तो हमारा 2 नंबर मूवी का नाम है अ साइलेंट वॉइस। ये मूवी रोमांस ड्रामा पे बेस्ड है। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का रन टाइम है 2 घंटा 9 मिनट। तो कहानी में देखने को मिलता है निसिमिया नाम की एक लड़की, जो कि ना सुन सकती ना बोल सकती है। इस वजह से सब स्कूल में निसिमिया को परेशान करता रहता है। इसमें से इसीदा नाम का एक लड़का बहुत ही ज्यादा निसिमिया को परेशान करता है, लेकिन निसिमिया फिर भी चाहती है कि इसीदा उसकी फ्रेंड बने। लेकिन इसीदा नहीं चाहता कि निसिमिया उसकी फ्रेंड बने, लेकिन निसिमिया किसी कारण दूसरे स्कूल में चली जाती है। निसिमिया के चले जाने के कुछ दिन बाद इसीदा का लाइफ पूरा बदल जाता है। तो दोस्तों, मूवी में आगे क्या कुछ होता है, सब जानने के लिए आप लोग को आ साइलेंट वॉइस देखना पड़ेगा। ये मूवी आप लोग को हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.1 out of 10। तो दोस्तों, हमारा पहला मूवी का नाम है योर नेम। ये मूवी रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड है। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। तो कहानी में देखने को मिलता है मित्सुया नाम की एक लड़की, जो कि अपनी जिंदगी में परेशान हो चुकी है। इसलिए मित्सुया एक रात विश मांगती है कि उसको टोक्यो शहर का एक स्मार्ट लड़का बनना है। जो कि सुबह उठ के मित्सुया देखती है कि वो एक लड़का बन चुका है जिसका नाम है ताकी। तो मूवी में मित्सुया ताकी उस विश के वजह से सोने के बाद अपना शरीर बदल लेता है। फिर मूवी में आगे क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आप लोग को योर नेम देखना पड़ेगा। ये मूवी आप लोग को हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये मूवी आप लोग एक बार जरूर देखें। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.4 out of 10। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।